वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। करीब 19 दिन पूर्व मऊखास की बबीता की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अश्यंत नामक बदमाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके मुख्य साथी जीतू उर्फ मलखे को पकड़ने गई थी, तभी जीतू ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जीतू पर पुलिस ने पिछले ही दिनों 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 19 दिन पूर्व मऊखास निवासी बबीता की चाकू से सरे बाजार गोद कर हत्या कर दी गई थी। बबीता बस से उतरकर अपने घर वापस जा रही थी। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। दहाड़े हुए इस हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था। गिरफ्तार किए गए लोगों में जीतू उर्फ मलखे निवासी खानपुर सराय जिला संभल, अश्यंत निवासी मुरलीपुर थाना मुंडाली व उसकी महिला साथी पूजा पत्नी सुरेश निवासी मऊखास शामिल हैं। दरअसल पूजा को शक था कि उसकी बहन अमृता की मौत जादू टोने के कारण हुई है और इस जादू टोने के पीछे वह बबीता का हाथ मानती थी। इसे लेकर उसने प्रेमी जीतू व भाई अश्यंत के साथ मिलकर बबीता की हत्या करा दी। जीतू के पैर में गोली लगी है। एसपी देहात अनिरुद्ध कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। मैं बबीता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 2 संदिग्ध प्रकाश में आए थे, अश्यंत और जीतू उर्फ मलखे। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दे रही थी। आज अश्यंत की गिरफ्तारी की गई थी। उसकी निशानदेही पर जीतू को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी। पुलिस से घिरा देखकर जीतू ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे जीतू के पैर में गोली लग गई। जीतू को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जीतू और मलखे दोनों पर 15,000 का इनाम था। जीतू के ऊपर लगभग 8 मुकदमे हैं, लूट के मुकदमे हैं, तो एक गंभीर किस्म का अपराधी है। शीघ्र ही इसमें अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।